मैं कमलेश डेंगरा जबलपुर से हूँ। मैं बाबा जी से एक वर्ष पहले जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि पीछे उठती थी अमृत वेले में मंत्र जप करती थी या मूर्ति पूजा, पर उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितना बाबा जी के दर्शन करती हूँ। तो लगता है कि बस सब कुछ मिल गया और कुछ क्या क्या मांगे हम। संसार में कुछ भी तो स्थिर नहीं है। जो भी चीज आती है चली जाती है, यौवन आता है चला जाता है, पैसा आता है चला जाता है, बच्चे हम बच्चों को जन्म देते पाल पोस के बड़ा करते, बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो पैसे के पीछे और भौतिक सुखों के पीछे हम घूम रहे भाग रहे, इतनी तृप्ति नहीं मिलती है। तो जब मैं दर्शन करने आती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या मांगू क्या मांगू, तो लगता है बाबा जी कुछ ऐसा धन दे दो जो कभी मेरे से छूटे ही ना, ऐसा खुद खजाना दो मुझे। तो वेदों में पढ़ते हैं कि अद्वैत का अनुभव करो, आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन आज बाबा जी को बोला मैंने बहुत प्यार से कि वेद सत्य ही कहते अद्वैत आनंद धाम, वेद सत्य ही कहते अद्वैत आनंद धाम, पर द्वैत में मिलन मधुरता पाऊं मैं घनश्याम। ये जो द्वैत का आनंद है जो कटनी में आकर के महसूस होता है, ऐसा लगता है पंख लग गए बस ट्रेन में, जगह मिले ना मिले, टीटी आए टिकट नहीं मिली, गाड़ी छूट रही है बैठ गए, कुछ पता नहीं था कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, हमेशा फैमिली छोड़ने आती थी, ऐसा परफेक्ट कर दिया बाबा जी ने कि सारे प्लेटफॉर्म नंबर याद हो गए, सारी गाड़ियों के नाम याद हो गए, मतलब बहुत कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात तृप्ति और आनंद, और जो यहाँ सेवा सेवा हमें मिलती है, जैसे बोलते हैं कि वाटिका सेवा में चलो, तो मैं देखती हूँ वाटिका सेवा हम करते क्या है, हमारी सेवा वहां पर होती है, हमारे लिए इतना अच्छा लंगर प्रसाद बना हुआ होता है, सेवा करके बैठे होते, हम क्या सेवा करते, हम कुछ नहीं करते, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर आते हैं वो भी हमारे पैरों में शक्ति परमात्मा भरता है तब हम यहाँ आते हैं। हम क्या ईगो लेकर के आए कटनी में, तो हमको ईगो खत्म करना है अपना, क्योंकि बहुत ईगो किया लाइफ में, अब यहाँ की सेवाधारियों की और निवृत्त देख करके तो लगता है कि बस परमात्मा हमें विनम्र बना दे। थैंक यू।